सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों देखो, मोटरोला आजकल बहुत ज्यादा सही काम कर रहा है, एक के बाद एक। और अभी आ गया दोस्तों एक और नया स्मार्टफोन जो कि हमारे पास में, ये ऑल न्यू मोटो G31। आज अपने दोस्तों आगे देखते हैं, लाइक और शेयर करते हैं और हम बात करते हैं इसी G31 के बारे में, करते हैं उसको अनबॉक्स, देखते हैं क्या है इसी ऑल न्यू हेलो मोटो की पूरी कंप्लीट कहानी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यार देखो, कुछ ऐसा है ये बॉक्स, टिपिकल मोटो स्टाइलिंग में इसी मोटो G31 का। सामने मोटोरोला का लोगो लिखा है G31, साइड दोस्तों अगेन है मोटो ब्रांडिंग। और यहाँ पे यार पीछे हमारे पास भी कुछ डिटेल्स हैं इसी फोन से जुड़ी हुई, जहाँ पे दोस्तों ये आता है एक OLED स्क्रीन के साथ में, और फिर हमारे पास में दोस्तों इसमें है 50 MP का कैमरा सिस्टम और बैटरी है 5000 mAh की। फिलहाल के दोस्तों यहाँ पे हमारे पास जो वेरियंट है वो है मेट्रोइड ग्रे, और ये है 464 वाला वेरियंट, जहाँ पे यार प्राइसिंग एंड ऑल आपको वीडियो में मालूम चली जाएगी। फिलहाल यार आपको करना है वीडियो को लाइक और शेयर, और मैं करूंगा इसी की दोनों सील्स ब्रेक। और जैसे ही हटाते हैं लिड को साइड में, अंदर उसको रखा है हमारे पास में यही फोन इसी प्रोटेक्शन के साथ में, जहां पे दोस्तों सामने कुछ इंफॉर्मेशन है, और अगेन ये आता है दोस्तों इसी प्री अप्लाइड केस के साथ में, जो कि यार मोटोरोला की टिपिकल स्टाइलिंग रही है हमेशा से। और अगेन यू नो ये जो केस है ये फोन को ऐसे बचाए रखेगा। यहां पे जैसा मान लीजिए हमारे पास में है ये एक सेक्शन, जहां पे है फिर ये कुछ डॉक्यूमेंटेशन, और है ये एक सिम रिजेक्टर टूल। साथ दोस्तों नीचे हमारे पास में है फिर ये एक 20 वॉट्स आउटपुट वाला मोटोरोला का टर्बो पावर चार्जर, और है फाइनली USB-A to USB-C केबल। यहां पे दोस्तों हटाते हैं फोन की प्रोडक्शन को, करते हैं फोन को बूट और हम बात करते हैं कुछ और डिटेल्स के बारे में। तो यहां पे दोस्तों यार जो फोन है काफी यूनिक सा कलर लगता है, और इनफैक्ट दोस्तों पीछे तो जो पैटर्न मिलता है ना ऐसा काफी एक ग्रिपी है, और यू नो फोन को ऐसा काफी आपको एक तो कर्व साथ में हाथ में भी काफी है ना ऐसा कंफर्टेबल बनाया था होल्ड करने के लिए, बिकॉज जो वेट है वो सिर्फ 180 grams का है। और यहां पे दोस्तों ये आता है ऐसा कंप्लीट यू नो इसी स्मूथ और साथ में टेक्सचर्ड फिनिश के साथ में, जो कि मैट फिनिश है, फिंगरप्रिंट्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं आएंगे। अब यहां पे अगर हम बात तो करते हैं, अगर खैर इसको यू नो और आगे बढ़ते हैं फिजिकल ओवरव्यू के बारे में, तो फोन में राइट साइड में हमारे पास में 3 buttons हैं। सबसे पहले नीचे यहाँ पे पावर लॉक अनलॉक बटन, उसके ऊपर दोस्तों वॉल्यूम रॉकर, और उसके ऊपर यहाँ पे बटन जहां पे आप यू नो गूगल असिस्टेंट वगैरह काम में ले सकते हैं बड़े आराम से। साथ में दोस्तों फोन में ऊपर हमारे पास में है सेकंड माइक्रोफोन वॉइस ट्रांसलेशन के लिए, और फिर है हम सभी का बहुत ज्यादा दुल्हारा ये एक हेडफोन जैक। लेफ्ट दोस्तों कंप्लीटली क्लीन है ऑलमोस्ट, जहां पे हमारे पास में है फिर ये एक हाइब्रिड सिम स्लॉट, और फोन में नीचे है प्रीमियम माइक्रोफोन, USB-C पोर्ट और स्पीकर ग्रिल। अब दोस्तों बात करते हैं अगर पीछे की, तो सबसे पहली बात तो ये कि आप ना बड़े आराम से ऐसा है इसमें मधुर संगीत पहली बात तो बजा सकते हैं इसी यू नो पैटर्न के साथ में, बड़े आराम से अगर आपको करना होगा टाइम पास तो काफी ईजी रहता है ऐसे। हाँ, और जब आप ऐसे ऐसे करते हो तो ये भी ऑन हो जाता है और ये ऐसे ऑफ भी हो जाता है। साथ में दोस्तों यहाँ पे हमारे पास में है पीछे ये एक ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप, जो प्राइमरी कैमरा दोस्तों वो है 50 megapixels का, और इसी के साथ दोस्तों हमारे पास में जो सेकेंडरी कैमराज हैं वो है पहला 8 megapixels का कैमरा अल्ट्रा वाइड एंगल फोटोज के लिए, जहाँ पर दोस्तों यही कैमरा डेप्थ कैमरा का भी काम करता है, और फिर है 2 megapixel का कैमरा मैक्रो शॉट्स के लिए। LED फ्लैश है यहाँ पे दोस्तों, बीच में है मोटो वाला डिम्पल, और इसी डिम्पल में लगा है ये रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर फोन को यू नो इजी अनलॉक वगैरह करने के लिए। फोन दोस्तों लिखा था सामने की तरफ ये एक 6.4 inches का फुल HD+ AMOLED स्क्रीन, और यहाँ पे दोस्तों जो स्क्रीन है वो डेफिनेटली बहुत अच्छा लग रहा है, कलर्स वगैरह काफी बहुत यू नो सही लगते हैं, और स्पेशली इस प्राइस रेंज में मतलब यू नो AMOLED स्क्रीन अगर हमको मिल जाएगा डेफिनेटली मजा काफी ज्यादा सही हो जाता है। यहाँ दोस्तों सामने हमारे पास में इस छोटे से पंचोल में लगा है एक 13 megapixels का सेल्फी कैमरा, फोटोज वगैरह बड़े आराम से इसमें क्लिक कर पाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों ये AMOLED स्क्रीन मजा काफी से इसलिए भी, बिकॉज यहाँ पे ये कंप्लीट एक स्टॉक एंड्रॉइड वाला फोन है, यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा जंक कोई एड्स वगैरह वो सब का झंझट ही नहीं। और इनफैक्ट दोस्तों अगेन ही आता है थिंक शील्ड प्रोटेक्शन के साथ, तो आप जानते हैं कि यार जो फोन है वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी सही रहने वाला है। फिलहाल दोस्तों बेस्ड है एंड्रॉइड 11 पे, जहां पे लगा है प्रोसेसर हिलियो G85, इसी को पावर करने के लिए हमारे पास दोस्तों यहां पे दो अलग अलग ऑप्शन है, जहां पे है 4GB RAM या फिर 6GB RAM, स्टोरेज है 64 या फिर 128GB की, जो बैटरी दोस्तों इसमें लगी है वो है 5000 mAh की, और अगेन ये इंडिया के लिए स्पेशली मोटोरोला जो है इस फोन प्रोवाइड कर रहा है 20 वॉट्स वाला चार्जर,
बाहर ही आता है 10 वॉट चार्जिंग सपोर्ट करता है, खैर वो सेपरेट स्टोरी है। इसके अलावा तो अगर हम बात करते हैं इस फोन की ना, तो मतलब एक तो पहली बात यार जो स्टॉक रेट है काफी ज्यादा खुश कर देता है, और यहाँ पे हमारे पास में जैसे फॉर एग्जांपल डॉल्बी एटमॉस वगैरह है तो वो भी लाउड स्पीकर वगैरह के लिए भी है, तो आई मीन। और बाकी इसके अलावा आपके दोस्तों मोटोरोला वाली ऐप है जहाँ पे आप जैसा चाहें अपने हिसाब से फोन को कस्टमाइज कर सकते हैं, और फिर जो जेस्चर्स वगैरह हैं उनको बड़े आराम से आप यूज कर सकते हैं, मोटो डिस्प्ले वगैरह भी। और जेस्चर्स का मतलब क्या, ऐसे किया तो फ्लैशलाइट ऑन, ऐसे किया तो फ्लैशलाइट ऑफ, तो मतलब चॉप चॉप, या फिर दोस्तों अगर आप ट्विस्ट करते हैं तो आप ऐसा देखेंगे जो कैमरा है वो ऑन हो जाता है बड़े आराम से सीधा, ऐसे आप इसमें मेरे को देख पा रहे हैं यहाँ पर दोस्तों। खैर अगर हम आगे बढ़ ही रहे हैं बात कर रहे हैं कैमरा की, तो यहाँ पे जो कैमरा वाला सिस्टम है वो भी काफी सिंपल ऐप है, वन हैंड से आप दोस्तों बड़े आराम से कर सकते हैं। काफी सारे अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं मोटोरोला की तरफ से। फिलहाल खैर ये है कुछ कैमरा सैंपल्स जो मैंने इसी फोन के फ्रंट और रियर कैमरा को यूज करते हुए क्लिक किए हैं। और मतलब अगर हम बात दोस्तों करें खैर प्राइसिंग की, और उसके हिसाब से अगर हम देखें तो फोटोज यार काफी सही लगती है, और स्पेशली जो 50 मेगापिक्सल दोस्तों फिर आपको मिल जाता है सेंसर, इसके चलते फोटोज जो है वो आप फिर देख ही पा रहे हैं अपने स्क्रीन पे कि कैसी हैं, और बताना जरूर आपके मन की बातें क्या है नीचे कमेंट करते हुए। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी अगर हम बात करेंगे तो यार ये जो रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है ये बड़े आराम से काम करता है बिना किसी प्रॉब्लम के दोस्तों। आप उसको टैप कीजिए और ये फोन को अनलॉक कर देता है, आपको एक एनिमेशन में हल्का सा वो यू नो सामने नजर आएगा और ये आपके फोन को सीधा अनलॉक कर देगा, और जो फेस अनलॉक है उसकी तरह आप इसे चेहरा दिखाएंगे तो ये फोन को अनलॉक कर देता है बिना किसी प्रॉब्लम के। अब यहाँ पर जो चीज़ सबसे ज्यादा इसमें अच्छे से एंजॉय करना दोस्तों वो है ओलेड स्क्रीन की वजह से कंटेंट कंजम्पशन, और वो अगर आप देखें दोस्तों ये वीडियोस वगैरह फॉर एग्जांपल तो कलर्स हों या दोस्तों कंप्लीट जो एक्सपीरियंस है ना वो बहुत एकदम ऐसा इमर्सिव और काफी एकदम ऐसा ट्रू टू लाइफ निकल के आता है, तो यार वो एक बहुत ही अच्छी बात है। और वैसे अगर हम बात करें अच्छे की तो म्यूजिक थोड़ा सा एंजॉय करते हैं, थोड़ा सा दिल फ्रेश हो जाएगा। क्या बात है गाइस, एनी टाइम आई लव यू। तो यहाँ पे खैर ये है हमारे पास में मोटोरोला मोटो G31, और ये जो G31 है ये एक इंटरेस्टिंग यू नो फोन है दोस्तों, जहाँ पे आप जानते हैं जी सीरीज की जो नंबरिंग है वो कैसे है, अभी फिलहाल जैसे G30, 40 यू नो 60 वगैरह उससे भी आ रहे हैं, अभी जो नए वाले वेरियंट्स आ रहे हैं उसमें हम बात कर रहे हैं 31, फिर जैसे 41 भी आएगा, 61 भी आएगा, ऐसे इस तरीके से मोटोरोला आगे बढ़ने वाला है इस नए नोमेनक्लेचर में। यह है फोन। अब अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट मुद्दे की जो कि इस फोन की प्राइस, तो यहाँ पर दोस्तों स्टार्टिंग प्राइस है 464 वेरिएंट की वो है 12,999, और जो 6128 है उसकी प्राइस है 14,999। तो यहाँ पर दोस्तों अभी खैर ये जो हमको फोन मिल रहा है अगर हम देखें मार्केट में अलग बाकी ऑप्शंस को देखते हुए तो काफी इंटरेस्टिंग ऑफरिंग है, और जो मजा निकल के आता है वो इसी बात का है यार कि देखो ना स्टॉक एंड्रॉइड है, आप जानते हैं कि सिक्योर है, आप जानते हैं क्लीन है, ब्लोट फ्री है, आपको एकदम सिंपल फोन मिल रहा है, येट एट द सेम टाइम काफी कस्टमाइजेबल भी है, और एक यू नो जो थिंक शील्ड वाली प्रोटेक्शन वगैरह है, तो मतलब वो सब ट्रस्ट जब लेके आता है तो यार डेफिनेटली लगता है कि मोटोरोला पिछले टाइम से काफी सही काम कर रहा है। आप बताओ वैसे कि आपको क्या है कहना इसी फोन के बारे में, मेरी तरफ से अगर अनबॉक्सिंग हमने करी दी है, फर्स्ट लुक आप देख ही चुके हैं, आपकी मन की बातें क्या है लाइक और शेयर करते हुए नीचे कॉमेंट करते हुए जरूर बताना, और क्या आप इस फोन का एक गिव अवे देखना चाहते हैं, क्या प्लान कर सकते हैं बताना जरूर, कैसा लगा मोटो G31 दोस्तों। बस फिलहाल में इतना ही, देखने के लिए आपको धन्यवाद, मुझे उम्मीद है पसंद आया होगा। अगर आपका कोई और सवाल सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके रोजाना ऐसी वीडियोज लेके आता रहता हूँ। फिलहाल में इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।